सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 11 फिजिक्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशंस और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जाएंगे पेंडुलम, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम का हम मेनली टाइम पीरियड पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग पेंडुलम कैसे काम करते हैं, उनके टाइम पीरियड वो सब हम निकालना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा ले, क्योंकि ऐसे ही डेली अपडेट्स में हम टॉपिक बाय टॉपिक सिक्वेंस बाय सिक्वेंस आपको हर चैप्टर के वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम में क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं k बोल रहा हूं, उससे अटैच्ड एक मास m होता है। अब यहां पे अगर इसको इस सरफेस पे रखा गया है और आइडियल स्प्रिंग पेंडुलम के लिए हम मानते हैं कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, ये जो SHM हो रहा है हॉरिजॉन्टल के अलोंग हो रहा है। तो यहां पे मैं बोलता हूं इस पेंडुलम को, इस मास को मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के आगे स्ट्रेच किया। अब जैसे इस पे से एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाए तो इसको स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो उसको वापस से ले जाना चाहेगा बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो मैग्नीट्यूड वाइज kx और डायरेक्शन वाइज अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है यही स्प्रिंग फोर्स मेरा रीस्टोरिंग फोर्स बन के एक्ट करेगा, दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स दैट इज माइनस kx। अब क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ये SHM करेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग बी कनेक्टेड टू अ रिजिड एंड, एक स्प्रिंग के एंड को रिजिड एंड फिक्स्ड एंड से कनेक्ट कीजिए वॉल से, एंड अदर टू अ मास m, और दूसरे स्प्रिंग के एंड को मास m से कनेक्ट करें। सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो सिस्टम को एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ा गया। व्हेन मास इज स्लाइटली पुल्ड एंड लेफ्ट देन अ रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर मैंने इसे x डिस्टेंस स्ट्रेच किया और छोड़ा तो ये इलास्टिसिटी, स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण ये जो पार्टिकल है, मास है, वो वापस से रिस्टोर होगा बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा MA नेट फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ माइनस kx, m से डिवाइड कर दें तो ये आया A इज इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू x। अब एक्सेलरेशन dv बाय dt को आप लिख सकते हैं d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इस k बाय m को मैं लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ये हम लिख देते हैं d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया मेरा SHM का कंडीशन। SHM की अब अगर बात करें तो अगर कोई भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट को अगर डबल डिफरेंशिएट करके अगर इस फॉर्म में लिखा जा सके तो वो SHM होगा, उस मोशन को आप SHM मोशन कहेंगे। अब अगर मैं बात करूं इस पेंडुलम का, ये मेरा स्प्रिंग पेंडुलम है, तो स्प्रिंग पेंडुलम का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो मेरा ओमेगा जो है वो तो आया कंपेयर करके इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम, पर मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड से मतलब है, तो इस ओमेगा को मैं लिख देता हूँ थीटा बाई टी, एक पूरा ऑसिलेशन सर्कुलर मोशन में हमने देखा था थीटा हो जाएगा 2 पाई और एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आया 2 पाई रूट ओवर, इस मास को यहाँ ले जाएं तो रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास जो है वो आपका इनर्शिया फैक्टर कहलाएगा ना, क्योंकि हम देखे थे इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा इनर्शिया, और नीचे जो के है वो हमारा है स्प्रिंग फैक्टर करके, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की कि ये पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाई टी
SHM जो oscillation करेगा उसका frequency 1 by T को मैं लिख सकता हूँ 1 by 2 pi root under यहाँ पे बनेगा आपका K by M करके. तो ये तो हुआ इस time period of SHM और ये आया मेरा frequency of SHM. तो ये है मेरा spring pendulum पे discussion. आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप screenshot जरूर ले. spring pendulum को जो time period है वो किन किन factor पे depend करता है. तो हमारा spring pendulum का time period का relation आया ये रहा T is equal to 2 pi root under m by k. That is time period root mass के directly proportional और spring constant के root के inversely proportional. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं time period of spring pendulum is independent of acceleration due to gravity. कहीं पे small g 10 meter per second square वाला relation नहीं दिख रहा. मतलब हम बोल सकते हैं time period जो है वो acceleration due to gravity के independent है. अगर आप इसको कहीं पे भी ले जाए, suppose आप पहाड़ पे ले जाए, hill पे ले जाए, everywhere on a hill या moon पे ले जाए जहाँ gravity g by 6 हो जाता है, या satellite में ले जाए जहाँ पे gravity free space हो, वहाँ पे spring pendulum का time period change नहीं होगा. तो यहाँ पे लिख रहे हैं so a clock based on spring pendulum will keep proper time everywhere on a hill or moon or in a satellite and time period of spring pendulum will not change inside a liquid if damping effects are neglected. ये damping effects का मतलब क्या है? जैसे आपने solid surface को frictionless माना था तब जाके हमारा टाइम पीरियड जो था वो बस रूट मास और के पे डिपेंड कर रहा था. अगर फ्रिक्शन आ जाता तो उस टाइम पे एक रेगुलर फिक्स टाइम इंटरवल में ये मोशन एसएचएम नहीं कर पाता. तो वैसे अगर लिक्विड का फ्रिक्शन जो डैम्प करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लिक्विड के अंदर अगर बॉडी एसएचएम करेगी तो उस टाइम पे अगर हम कह दें कि डैम्पिंग इफेक्ट्स नेग्लिजिबल है, तो लिक्विड का फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा मास और के सिवा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा. टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टाइम से बॉडी ऑसिलेट करेगा. टाइम पीरियड ये है तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1 by t, दैट इज 1 by 2 पाए रूट m by k का बन गया k by m का रूट ओवर. तो यहां से मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट मास, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास. तो यहां से हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. टाइम पीरियड जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. यहां से मैं बोल सकता हूं लार्जर इज द मास, क्योंकि मास अगर बड़ा इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, ज्यादा होगा. तो लार्जर इज द मास ग्रेटर विल बी टाइम पीरियड. मास बड़ा मतलब टाइम पीरियड बड़ा. लेस विल बी द फ्रीक्वेंसी. मास बड़ा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा मेरा, घटेगा. तो ये रिलेशन है आपका टाइम पीरियड और मास में. अब हम बात करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा. तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर. हमने एसएचएम में देखा था जहां पे जो स्प्रिंग होता था और जो मास होता था स्प्रिंग पेंडुलम वो हॉरिजॉन्टल एसएचएम करता था. अब मैं वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम दिखाने जा रहा हूं. तो सपोज कीजिए ये जो सिचुएशन है, यहां पे एक मास हम हैड अटैच किया है अपने स्प्रिंग के, एक एंड को आपने वॉल से कनेक्ट कर दिया और एक एंड को इस मास से कनेक्ट किया. अभी जो स्प्रिंग है वो मेरा कौन सा पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ. मतलब अभी स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन नहीं है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg. अब मैं यहां बोल रहा हूं ये स्प्रिंग अगर x नॉट अप, ये क्या करेगा, जैसे जैसे mg जो फोर्स होगा इसको नीचे लेके आएगा, तो नीचे आते वक्त नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो एक्सीलरेट होगा. तो यहां से यहां आते वक्त वेलोसिटी बढ़ेगा. वेलोसिटी बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं एक पॉइंट आएगा, है ना, जब तक ये जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. वो पॉइंट आपका कौन सा पोजीशन बन जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना मतलब ये पोजीशन मेरा बन जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन. क्योंकि यहां पे मैं बोल सकता हूं के एक्स नॉट किसको बैलेंस करेगा, mg को. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो kx नॉट बैलेंस करेगा mg को, तो यहां से x नॉट की वैल्यू क्या हो गई, mg by k करके. अब यहां पे हम इस चीज को बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन आया ये नेचुरल लेंथ से इतना स्ट्रेच होके आएगा. अगर आप इसे स्लोली स्लोली छोड़ते हैं तो यही यहीं पे आके रुक जाएगा.
मतलब आप अचानक से नहीं छोड़ते हैं, इफ सडनली रिलीज तो उस पे क्या होगा, यहां तक आते हो तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी और यहां पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, पर इनर्शी ऑफ मोशन के कारण अब ये यहां नहीं रुकेगा, अब ये बॉडी नीचे जाएगा, ट्रांसलेट करेगा। अब ये बॉडी जब नीचे ट्रांसलेट कर रहा होगा तो mg फोर्स तो kx नॉट के बराबर था, मतलब ये 10 तो ये 10, अब जैसे ये नीचे और जा रहा होगा तो x नॉट बढ़ेगा, मतलब kx नॉट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। लेट्स से अब ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे 10 का 10 है, मतलब नेट फोर्स ऊपर 2 हो गया, तो अब बॉडी क्या करेगा, डिसेलरेट। तो यहां से आते टाइम नेट फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, तो बॉडी डिसेलरेट करेगा और यहां पे पहुंच के बॉडी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब यहां फाइनल वेलोसिटी जीरो और यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो से छोड़ा गया था और यहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। अब मैं बोल सकता हूं ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशंस, मैक्सिमम ये हो गया कंप्रेशन और ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेचिंग, और ये जो पोजीशन है इन दो एक्सट्रीम पोजीशन का एवरेज पोजीशन, जिसे आप नाम देंगे मीन पोजीशन। अब हम SHM में क्या देखते हैं, मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम कंप्रेशन का डिस्टेंस होता है उतना ही मीन पोजीशन से मैक्सिमम स्ट्रेचिंग का डिस्टेंस होगा। अब ऊपर की तरफ 2kx नॉट, नीचे mg, तो नेट फोर्स ऊपर, क्योंकि kx नॉट तो mg के बराबर है, तो नेट फोर्स ऊपर आपका लगेगा, दैट इज mg। अब यहां पे फिर से ये बॉडी यहां नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, अब ये बॉडी को यहां लेके आएगा, फिर ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण यहां जाएगा, यहां आते वेलोसिटी जीरो, फिर कुछ इस तरह से बॉडी क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा। तो इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को इस वर्टिकल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम आपका किस एम्पलीट्यूड में मोशन कर रहा होगा, एमजी बाई के एम्पलीट्यूड में मोशन कर रहा होगा। और हमने स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा था इज इक्वल टू 2π √m/k। अब m by k की वैल्यू यहां दिख रही है x नॉट by g, तो मैं यहां से बोल सकता हूं t इज इक्वल टू 2π √x0/g करके। अब क्योंकि आपका x नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो यहां से आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2π √a/g करके। तो आपका वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM पे भी डिपेंड करेगा और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप इसे ऐसे रीजन में ले जाते हो जहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वहां पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बॉडी वापस से रिस्टोर करने की है ना, मतलब SHM ही नहीं करेगा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लगेगा। तो ये है मेरा वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम, और जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता था, जबकि ये वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन आते हैं, अभी हमने देखा टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है। तो सपोज कीजिए अभी तक आइडियल स्प्रिंग आप लेते थे, तो आइडियल स्प्रिंग में हम बोल रहे हैं सपोज ये मास m है और यहां पे स्प्रिंग का मास लेस होता था। अब सपोज कीजिए स्प्रिंग का कुछ मास हो जाए कैपिटल m, तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, m इज द मास ऑफ स्प्रिंग, m है स्प्रिंग का मास, जिसको अभी तक हमने नेग्लेक्ट किया था। अब सपोज करें स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल नहीं है, तो मास ऑफ स्प्रिंग अगर कुछ हो जाता है तो उस केस में आपका टाइम पीरियड जो होगा उसका रिलेशन कुछ आएगा इस तरह से, 2π √m/k तो है ही, ये जो मास है जो ऑसिलेट कर रहा है उसका तो आएगा ही रिलेशन, साथ ही साथ इस स्प्रिंग का भी मास रोल में आ जाएगा, और हम यहां लिख सकते हैं इस स्प्रिंग का 1/3 मास यहाँ पे m/3, ये आप कैसे आया उससे हमें लेना देना नहीं, ये आपका अगर रिजल्ट आता है एग्जाम में आप डायरेक्ट यूज करें, 1/3 ऑफ द मास एड हो जाएगा उस नेट मास में। वैसे अगर मैं बात करूं सपोज अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक स्प्रिंग का एक एंड आपका मास से कनेक्ट होता था, अब सपोज कीजिए स्प्रिंग के दोनों एंड, स्प्रिंग कांस्टेंट के मासलेस स्प्रिंग और दोनों मास आपने कनेक्ट कर दिए किससे, लेट्स से आपने कनेक्ट कर दिए दो अलग अलग है ना मासेस से, तो इस केस में जो टाइम पीरियड का रिलेशन हम लिखेंगे वो हमारा कुछ लिखा जाएगा t इज इक्वल टू 2π √m/k में m की जगह अब मेरा फैक्टर आएगा म्यू, म्यू कहलाएगा आपका रिड्यूस्ड मास,
म्यू को हम नाम देंगे रिड्यूस्ड मास, मतलब जैसे इक्विवेलेंट है ना रेजिस्टेंस होता था, तो म्यू आपका बन जाएगा रिड्यूस्ड मास करके। अब ये रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था, तो वैसे मानिए ये दो मासेस पैरेलल में है, तो 1 बाय म्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। एलसीएम लूंगा तो यहां पे हमारा आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आया मेरे पास m1 प्लस मैं क्या लिख सकता हूं m2 करके। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम पीरियड रिलेशन आ जाएगा उसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2π रूट अंडर म्यू की जगह तो आ गया m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में k पड़ा है मेरे पास, तो ये आया मेरा टाइम पीरियड इस स्प्रिंग पेंडुलम का। तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट, चलिए जैसे हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा t इक्वल टू 2π रूट अंडर m बाय k, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/T दैट इज 1/2π रूट अंडर k बाय m, तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल और जो फ्रीक्वेंसी है वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहां बोल सकता हूं टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट k ऑफ द स्प्रिंग, मतलब अगर k ज्यादा तो टाइम पीरियड कम, और मैं यहां से बोल सकता हूं k बड़ा मतलब फ्रीक्वेंसी भी बड़ा, तो यहां से बोल सकते हैं लार्जर इज द फोर्स कांस्टेंट ग्रेटर विल बी फ्रीक्वेंसी, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा तो टाइम पीरियड कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ग्रेटर विल बी फ्रीक्वेंसी एंड लेस विल बी टाइम पीरियड। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा उसको हम कैसे बात करें, तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू K इनटू X। तो सपोज कीजिए मेरी दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जो आपकी पेन की रिफिल की स्प्रिंग और एक स्प्रिंग है आपकी सपोज कीजिए जो बाइक या साइकिल में जो शॉकर की स्प्रिंग होती है, तो अगर मैं बोलूं दोनों स्प्रिंग को सेम डिस्टेंस से कंप्रेस करना है 2 मीटर से, तो यहां पे हम बोल सकते हैं जिसमें फोर्स ज्यादा लगेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो जो आपका शॉकर का स्प्रिंग होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा और पेन की रिफिल में कम फोर्स से काम हो जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हार्ड स्प्रिंग होगा जो जैसे बाइक का स्प्रिंग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होना चाहिए। वैसे हम बात करें जो k है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मतलब अगर एक बड़ी सी स्प्रिंग हो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ है लेट्स से 10, अगर मैं इसको काट दूं नेचुरल लेंथ अगर कम हो जाए तो उस केस में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी कैसे बढ़ेगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग वो सब अभी हमें आगे डिस्कस करना है, तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक आप स्क्रीन है कंपोजिट स्प्रिंग पेंडुलम। सपोज दो स्प्रिंग्स K1 K2 कनेक्ट किए गए हैं इस मास m से, सिमिलर वे में ये दो स्प्रिंग K1 K2 कनेक्ट किए गए हैं पैरेलली इस मास m से, और यहाँ पे ये K1 K2 इस मास m से कुछ इस तरह से कनेक्ट किए हैं। अब इनमें से कौन सा स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन में है कौन सा स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उनका k इक्विवेलेंट कितना होगा ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसा आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल करके पढ़ा था, तो वहां पे हम क्या देखते थे सीरीज या पैरेलल में कैसे देखा जाता है v इज इक्वल टू अगर मैं IR रिलेशन अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर मेरा करंट सेम हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज होता था, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V मतलब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये डेल्टा V सेम हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। तो हम यहाँ पे सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, कोई कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, इसके लिए हम बोलते हैं अगर करंट सेम हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज है और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। अब इसको मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे स्प्रिंग फोर्स हम जानते हैं F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा X, तो यहां पे मैं एक एनालॉगी बनाने के लिए यहां पे जैसे डेल्टा भी है वैसे डेल्टा X, तो डेल्टा X एक साथ में रख रहा हूं और F इंटू क्या कर सकता हूं 1 बाय K,
मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेल्टा वी डेल्टा एक्स के कंपेरेबल है, आई एफ के कंपेरेबल है, और यहाँ पे आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे के है, तो यहाँ पे आर का हम कंपैरिजन एनालॉगस क्वांटिटी 1/k कह सकते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स और आई सेम है, मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बात की जाए तो अगर फोर्स सेम हो जाए तो वो सीरीज हो जाता है। सिमिलर वे में डेल्टा वी डेल्टा एक्स सेम है तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए या चेंज इन लेंथ सेम हो जाए तो वो कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब सीरीज पैरेलल का मतलब हमें क्या समझ आता है कि अगर इन दो स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगानी हो इस सेम मास m के अक्रॉस, तो उसका k इक्विवेलेंट, मतलब इन दो स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग जो लगाया जाएगा उसका इक्विवेलेंट लेट से ना स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, और लेट से इसे हमने कितना स्ट्रेच किया k इक्विवेलेंट, है ना, k इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग x इक्विवेलेंट स्ट्रेच किया, तो इस स्प्रिंग में पीछे की तरफ जो स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फोर्स लगेगा वो हमारा कितना लगेगा, वो लगेगा k इक्विवेलेंट इनटू x इक्विवेलेंट। अब चलिए देखते हैं इनमें कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो अगर मैं कहूं यहां पे लेट्स से यहां पे फोर्स इस स्प्रिंग में F1 लग रहा है और यहां पे फोर्स इस स्प्रिंग में F2 लग रहा है, अगर तो यहां पे हम देख सकते हैं ये एक है ना मासलेस अगर स्प्रिंग है तो मासलेस स्प्रिंग में थ्रू आउट फोर्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर यहां और यहां फोर्स अगर अलग हुआ तो ये पूरा स्प्रिंग टूट जाएगा, तो हम कह सकते हैं F1 F2 बराबर होना चाहिए। और सपोज यहां पे 10 न्यूटन या 10 न्यूटन लग रहा है तो इन दो स्प्रिंग को हटा के जो मैं सिंगल स्प्रिंग लगाऊंगा उसमें भी इक्विवेलेंट फोर्स भी कितना लगना चाहिए, 10 न्यूटन लगना चाहिए। मतलब यहां F सेम होगा तो ये कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, मेरा सीरीज में जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये कॉम्बिनेशन आपका सीरीज है। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं जैसे यहां पे अगर सपोज कीजिए एक्स इसमें स्ट्रेचिंग किया तो ऊपर वाले स्प्रिंग में भी एक्स स्ट्रेच आएगा, नीचे वाले स्प्रिंग में भी एक्स का स्ट्रेचिंग आएगा, मतलब यहाँ पे चेंज इन लेंथ सेम होगा दोनों स्प्रिंग में। डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्विवेलेंट होगा, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो डेल्टा एक्स क्योंकि यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे क्या चीज कॉम्बिनेशन बन गया ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली वे मैं यहां बात करूं अगर मैंने इसे 10 मीटर स्ट्रेच किया इस K1 स्प्रिंग को, तो K1 में तो 10 मीटर का स्ट्रेचिंग आया और इस K2 स्प्रिंग में 10 मीटर का कंप्रेशन आया, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इस डेल्टा एक्स का, तो क्योंकि यहां पे डेल्टा एक्स सेम है तो हम कह सकते हैं यहां पे ये कॉम्बिनेशन किस में होने चला गया, पैरेलल में होना चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स दोनों में सेम है। तो पहला चीज आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सपोज कीजिए जब F1 फोर्स आपका इस पे लगा, इसमें अगर X1 स्ट्रेचिंग आया इसमें X2 स्ट्रेचिंग आया 2 मीटर और 3 मीटर, तो इन दो स्प्रिंग को हटाऊंगा तो ये सिंगल स्प्रिंग में कितना स्ट्रेचिंग आना चाहिए, 2 + 3 = 5 मीटर, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्विवेलेंट मेरा कितना होना चाहिए, X1 + X2। अब x इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्विवेलेंट इक्वल टू f इक्विवेलेंट बाय k इक्विवेलेंट, तो x इक्विवेलेंट है f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट। उसी तरह से x1 को क्या लिख सकता हूं, तो f1 इक्वल टू k1 इनटू x1, तो x1 आया f1 बाय k1। सिमिलरली f2 इज इक्वल टू k2 इनटू x2, तो x2 आया f2 बाय k2, और क्योंकि F1, F2, F equivalent ये तीनों सेम है तो यहां पे मेरा बनने चला गया 1/k equivalent = 1/k1 + मैं लिख सकता हूं 1/k2। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपका R का एनालॉगस क्वांटिटी है वो 1/k, मतलब सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल में जाएगा और पैरेलल का फॉर्मूला सीरीज में आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सीरीज में जैसे होता था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2, यहाँ पे 1/k equivalent = 1/k1 + 1/k2, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सीरीज में जब ये स्प्रिंग्स कनेक्टेड होगी तो उस टाइम पे फॉर्मूला जाएगा मेरा पैरेलल का। सिमिलर वे में मैं बात करूं अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, दोनों में x सेम होगा, पर अगर यहाँ 2 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग में 2 + 10 = 12 न्यूटन लगना चाहिए, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं F इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास इज इक्वल टू
F1 plus F2. अब F equivalent को मैं लिख सकता हूँ is equal to K equivalent into X equivalent. F1 को लिख सकता हूँ K1 into X1 और F2 को लिख सकता हूँ K2 into X2 करके. और यहाँ पे क्योंकि X1, X2, X equivalent बराबर है तो relation आ गया K equivalent is equal to K1 plus क्या लिख दिया हमने K2. तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल जब स्प्रिंग्स कनेक्टेड है एक आपस में तो उस केस में फॉर्मूला सीरीज का जाएगा, दैट इज के इक्विवेलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू. अब सिमिलर वे में हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो के इक्विवेलेंट हो गया मेरा के वन प्लस के टू करके. फिर हम बात करें अगर टाइम पीरियड के लेट से तो हम बोल सकते हैं इस केस में मेरा टाइम पीरियड होगा 2π√m बाय क्या लिख सकता हूँ के इक्विवेलेंट. तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊँ जब पैरेलल में कनेक्टेड है चाहे आप ऐसे कनेक्ट करें या ऐसे कनेक्ट करें इन दोनों केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो मेरा बन जाएगा 2π√m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. मुझे बस यहाँ K इक्विवेलेंट निकालना था. और सिमिलर वे में अगर मैं इस केस में टाइम पीरियड निकालने जाऊँ तो वो मेरा आया 2π√m डिवाइडेड बाय. अब क्योंकि ये है ना अगर K1 K2 LCM लूँ K1 प्लस K2 रेसिप्रोकल करूँगा तो ये आएगा K1 इंटू K2 और न्यूमरेटर में ये चला गया K1 प्लस K2 करके. तो ये मेरा आया टाइम पीरियड इन केस ऑफ ना हम बोल सकते हैं जब ये आपका सीरीज में कनेक्टेड हो या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हो. तो अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आए तो हमको कुछ इस तरह से करना है. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीटिंग ऑफ अ स्प्रिंग करके तो लेट से ये एक स्प्रिंग है मेरी. इस स्प्रिंग का लेंथ है सपोज 100 मीटर नेचुरल लेंथ और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है सपोज 10 न्यूटन पर मीटर. अब मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया है कट किया है पांच पार्ट्स में. सपोज पांच पार्ट में पहला पार्ट तो है मेरा लेट्स से 50 मीटर लेंथ का. फिर मैंने इसे कट किया है दो 20-20 मीटर पार्ट में. फिर ये हो गया 20 मीटर ये हो गया 20 मीटर और फिर मैं बोल रहा हूं इसको बचा कितना 10 मीटर फिर एक 10 मीटर के पार्ट में कट किया है. अब मैं यहां बात करना चाहता हूं कि इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना हो गया. तो यहां पर हम बोल सकते हैं इस केस में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1 होगा. वैसे ही इन दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा दैट इज K2 और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा होगा सपोज K3. अब हमने देखा था K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ दैट इज K इनटू नेचुरल लेंथ इज कांस्टेंट. चलिए तो ये हम बोल सकते हैं K इनटू नेचुरल लेंथ इज कांस्टेंट इसको यूज करने जा रहा हूं. तो मैं बोल सकता हूं इसके K को इसके नेचुरल लेंथ से मल्टीप्लाई करें दैट इज 10 इनटू 100 इज इक्वल टू इसके K को इसके नेचुरल लेंथ से मल्टीप्लाई करें दैट इज K1 इनटू 50. तो यहां से 50 से 100 2 इनटू 10 इज 20. तो यहां से मेरा K1 निकल के आ गया 20 न्यूटन पर मीटर. तो ये K1 वैल्यू आया है 20 न्यूटन पर मीटर. मैं यहां से देख सकता हूं मेरा लेंथ कितना घटा है 2 times घटा. तो यहां पे हम बोल सकते हैं नेचुरल लेंथ 2 times घटा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 times बढ़ेगा. तो 10 2 times बढ़ के कितना हो गया 20. उसी तरह से या तो आप ये तरीका लिखिए है ना दैट इज 10 into 100 is equal to 20 into K2 उससे भी आ जाएगा. नहीं तो 120 हुआ है मतलब कितना हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5 times लेंथ कम हुआ है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट 5 times बढ़ जाएगा दैट इज ये आएगा 50 और क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये भी मेरा क्या होगा 50 होगा. तो ये हमने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का तरीका. उसी तरह से अगर ये देखा जाए 100 से 10 हुआ 10 टाइम्स डिक्रीज किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 10 टाइम्स बढ़ेगा. तो 10 टाइम्स बढ़ने का मतलब ये आया मेरा 100 न्यूटन पर मीटर करके. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग अगर कट किया जाए है ना इक्वल डिविजन्स हो अनइक्वल डिविजन्स हो लेट्स से मैं 15 मीटर बोलता तो आप इस तरीके का यूज करते ना के इनटू नेचुरल लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट उससे आप आंसर निकाल सकते थे. अब मैं क्या करने जा रहा हूं अब सपोज कीजिए मैंने इन सभी कॉम्बिनेशन ये जो कट पार्ट है इनको एक बार सीरीज में ज्वाइन किया. तो सपोज करें ये 5 पार्ट को सीरीज में अगर ज्वाइन किया गया तो उस केस में K इक्विवेलेंट क्या होगा. तो यहाँ पे K1 कितना है आपका 20 ये K1 रहा ठीक है. उसके बाद ये K2 कितना है 50 ये K2 कितना है 50 फिर यहाँ पे ये कितना है आपका 100 ये आपके ना लेट्स से 4 पार्ट है और इसको मैंने कनेक्ट किया उसी मास m से
जो उस सिंगल स्प्रिंग से यहाँ कनेक्टेड था, ये मास M है ना, पहले विदाउट कटिंग सिचुएशन में। तो अगर मैं बात करूँ इस केस में है ना, कट करने से पहले, इस केस में आपका टाइम पीरियड था सपोज टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाय, मैं लिख सकता हूँ के है ना, और के कितना है यहाँ पे 10। तो अगर हम बात करें, सपोज कीजिए इसको अकेले को अगर मैं एम से कनेक्ट करता, तो इस केस में मेरा टाइम पीरियड कितना आता, बस सिंगल स्प्रिंग को कनेक्ट करता तो इसमें टाइम पीरियड आता 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना हुआ इसका 20। वैसे अगर इसको अकेले को मैं मास m से कनेक्ट करता तो इस केस में टाइम पीरियड आता हमारा 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाय, यहाँ पे k कितना है 50। और अगर इसको कनेक्ट करा जाता तो इस केस में T3 टाइम पीरियड होता 2 पाई रूट ओवर m बाय क्या बोला गया है 50। यहाँ पे सभी केस में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बड़ा मतलब टाइम पीरियड घटता। और सपोज कीजिए आपने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करके फिर अगर जोड़ दिया, तो हमने देखा था जो सीरीज में कॉम्बिनेशन में आपका फॉर्मूला पैरेलल का चलेगा, डेट इज 1/k equivalent = 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 ये बना हुआ है 1/k4। एलसीएम लिया जाए, यहाँ पे एलसीएम आएगा मेरा 100, तो ये हुआ 5 + 2 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10। यहां से मैं k इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल सकता हूं इज इक्वल टू 10, मतलब मैं बोल सकता हूं इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टाइम पीरियड कितना आएगा 2 पाई रूट अंडर m बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू t नॉट। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं अगर इन सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो ओरिजिनल का था वही रहेगा, ये हमने सीरीज के केस में टाइम पीरियड निकाला। और अगर सपोज करिए कि इन सभी कॉम्बिनेशन को मैं किस में कनेक्ट करता, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देता, यहाँ पे ये मास एम से इन चारों स्प्रिंग को आप सपोज कनेक्ट कर देते पैरेलल में, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होता ये हम देखना चाहते हैं। तो ये मास एम, सेम मास एम है ना, यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितने हैं, पहला वाला 20, दूसरे 250 और लास्ट वाला है मेरा 100। तो k इक्विवेलेंट पैरेलल में फॉर्मूला चलता सीरीज का, तो k इक्विवेलेंट आता 20 + 50 + 50 + 100 विच इज इक्वल टू 220। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 220 हो गया, मतलब अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टाइम पीरियड होता वो लिखा जा सकता था t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय रूट अंडर है ना 220। तो ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट है ना, सीरीज और पैरेलल करके हमने दिखाया। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम हमने डिस्कस किया। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ऐसे ही डेली अपडेट्स में हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियोस प्रेजेंट करते रहेंगे, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।